I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea. Poonam Pandey जिंदा है। एक्ट्रेस ने शनिवार दोपहर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। पूनम ने कहा उन्होंने कैंसर अवेयरनेस फैलाने के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट किया था। इससे पहले शुक्रवार सुबह 32 साल की मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की खबर से पूरी इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई थी। पूनम की मौत की वजह सर्वाइकल कैंसर बताई गई थी। उनकी टीम ने ही मौत की जानकारी दी, पर कोई भी इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ताल में सामने आया कि पूनम के दोस्त, परिवार, नौकर, ड्राइवर और बॉडीगार्ड किसी को भी ना तो उनकी बीमारी की कोई खबर थी ना ही मौत की। हालांकि कई ऐसे सेलेब्स भी थे जो पूनम की मौत की खबर को सच मानने को तैयार नहीं थे। इसमें राहुल वैद्य, KRK और संभावना सेठ जैसे लोगों का नाम शामिल है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या मैं अकेला ही ऐसा इंसान हूँ जो सोचता है कि पूनम मरी नहीं है। वही KRK का कहना था कि ये पूरी तरह से पूनम का पब्लिसिटी स्टंट है। मौत की खबर आने के तुरंत बाद पूनम के करीबी दोस्त नितिन मिरानी से बात हुई। उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुबह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही। उनके ड्राइवर ने बताया कि दो दिन पहले तक मैडम बिल्कुल ठीक थी, वो शूटिंग में बिजी थी। बहन का फोन भी ऑफ है। समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। लग रहा है कि उनका इंस्टाग्राम हैक हुआ है। पूनम की PR टीम की मेंबर पारुल चावला से बात होने पर उन्होंने मौत की खबर की पुष्टि की। अपने आप को पूनम की मैनेजर बताने वाली एक महिला निकिता शर्मा ने प्रेस नोट जारी किया। इस प्रेस नोट में बताया गया कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से पूनम अब इस दुनिया में नहीं है। इस प्रेस नोट में ये भी लिखा था कि हमें सर्वाइकल कैंसर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस प्रेस नोट में एक फोन नंबर भी लिखा हुआ था। जब उस फोन नंबर पर कॉल किया तो वो फेक निकला। जिस आदमी ने कॉल उठाया वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसने कहा कि उसका पूनम पांडे से कोई ताल्लुक नहीं है। सुबह से उसके पास सैकड़ों कॉल आ चुके हैं। प्रेस रिलीज के बाद पूनम की PR टीम ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की। जवाब में उन्होंने एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, हमें सुबह सुबह पूनम की मौत की खबर उनके परिवार वालों से मिली। हम उनकी फैमिली से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया है। अभी तक बस इतना ही पता चला है कि उनकी बॉडी कानपुर में है। लेकिन अचानक ही शनिवार को पूनम लाइव आकर अपने जिंदा होने की खबर बताती है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए अपने जिंदा होने की और इसे सिर्फ महज सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के तौर पर स्टंट बताया। आप भी देखिए ये वीडियो। आई एम अलाइव। आई डिडंट डाई बिकॉज़ ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अनफॉर्चूनेटली आई कैन नॉट से दैट अबाउट दोस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज़ ऑफ सर्वाइकल कैंसर। It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do about it. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeyisalive.com। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।